कि जो बाकी हैं वो ऑनेस्ट हैं, वो सच बोल रही है, लेकिन दो जो गुरुजी के खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रही हैं, जो उनको नहीं जो वो चाहती, किसी भी कोई भी कारण, उनका अपना पर्सनल ऐसा रीजन हो सकता है, कोई रंजिश जैसा दिमाग में, तो वो ये भी तो हो सकता है, ये भी तो पॉसिबिलिटीज है। तो नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ नेहा त्यागी जी हैं, जो एक टीचर हैं, दिल्ली से बिलोंग करते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं आज। उनसे सीधा उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है डेरा सच्चा सौदा विसेन डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जी इंसा के साथ, ये उनसे बात करके जानते हैं आज। वो पब्लिक के सामने अपना एक्सपीरियंस, अपनी बातें जो रखना चाहते हैं, सीधा आपको रूबरू करवा रहे हैं। नेहा त्यागी जी, आपका द फैक्ट टाइम चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। नेहा त्यागी जी, सबसे पहले आप डेरा सच्चा सौदा जो संस्था है, आप कब से जानते हैं संस्था को? लगभग 12-13 सालों से। मैं 2005 या 2006 से जुड़ी हूँ, तो तब से ही मैं वहां पे जाती हूँ और अच्छे से जानती हूँ। जी, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जिनसा के बारे में क्या जानते हो? कि वो एक स्पिरिचुअल मास्टर होने के साथ साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने लोगों को जीने की सही राह दिखाई है, कि सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीना, देश के लिए कुछ कर गुजरना, और इंसानियत का धर्म ही सबसे ज्यादा मायने रखता है, वो ही सर्वोपरि है, ऐसे सिद्धांतों के साथ वो आगे बढ़ते हैं और लोगों को भी यही सिखाते हैं। देश के लिए सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जी इंसा का क्या रोल रहा है? देश में किसी भी तरीके की जरूरत नहीं, चाहे कोई आपदा आई है, चाहे हमारी आर्मी को खून की जरूरत पड़ती है, चाहे भी वो पर्यावरण हो, सफाई अभियान है, पौधारोपण है, देश में जितनी भी चीजों की जरूरत जिस भी तरीके से पड़ती है और डेरा वो कर सकता है, वो सब कंट्रीब्यूट किया है सेंट एमएसजी ने, सेंट गुरमीत राम रीम जी ने, तो वो एक समाज सुधारक की तरह आगे आए हैं हमेशा। तो उनका नेचर व्यवहार के बारे में क्या कहना चाहोगे? नेचर, अगर मैं सत्संग की बात करूं तो सत्संग में ही वो सिर्फ आध्यात्मिक शिक्षा नहीं देते, बल्कि ऐसी ऐसी चीजें कि हमें अपने रिश्तों में किस तरीके से रहना चाहिए, किस तरीके से अपने माँ बाप की इज्जत करना, उनकी सेवा करना, फैमिली के साथ निभाना, और भी बच्चों की परवरिश कैसे करनी है, अपनी सेहत का ध्यान कैसे रखना है, A to Z सारी जानकारी, सारा एक तरह से कहते हैं ना कि एक जगह पे ही सारा ज्ञान मिल जाए, बस वो ही वाली बात उनके सत्संग में जानने को मिलती रही है। तो उनका नेचर कह सकते हैं कि बहुत ही केयरिंग। और मैं अगर वैसे बात करूं ऑडिशन वगैरह की, क्योंकि मैं मूवी में ऑडिशन का पार्ट भी रही हूँ, तो वो थोड़ा सा एक क्लोज उनको जानने का मौका मिला अलग से, तो उनको जब जाना, तो एक तो मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी है, दूसरा उनका नेचर बिल्कुल डाउन टू अर्थ है, और इतना केयरिंग है कि सभी किस हर किसी को, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप से है, सभी को एक बच्चे की तरह केयर करना, उनका ख्याल रखना, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना और उनको सॉल्यूशन देना, उनको अपनी सजेशंस देना, सो बहुत ज्यादा एक अच्छे पॉजिटिव वाइब्स रही है उनके आसपास जब भी मैं मिली हूँ उनसे। क्या आज भी आपका उनके ऊपर फेथ है? बिल्कुल है। अगर हम पीछे 3 साल पीछे जाएं तो काफी कुछ उनके बारे में दिखाया गया था, काफी मतलब उनके ऊपर जो एलिगेशंस लगाए गए हैं उनके ऊपर काफी कुछ चर्चा हो रही थी, आप क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? चर्चा मतलब मैं ये कहना चाहूंगी, कानूनन जो कार्रवाई हुई वो एक अलग चीज है, कि दो लड़कियों ने जो है उनको एक्यूज किया, ब्लेम किया कि उनके साथ गलत किया गया है, लेकिन मीडिया ने जिस तरीके से दिखाया वो एक अलग चीज है, कि एक तिल का या राई का पहाड़ बना के दिखा देना वही वाली बात थी, और इससे बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा आघात भी पहुंचा, हमारे जो सेंटिमेंट्स है उनको वो भी हर्ट हुए, तो मैं बिल्कुल इसको सच नहीं मानती, क्योंकि एक ऐसी शख्सियत जो समाज भलाई के कार्यों के लिए आगे आते रहे हैं, जिन्होंने
इतना सभी को सही राह दिखाई है, कितनों के नशे छुड़वाए हैं, वेश्यावृत्ति से लड़कियों को निकाला है, भ्रूण हत्या के खिलाफ कदम उठाए हैं, हर एक डायरेक्शन में उन्होंने कार्य किया है अच्छे के लिए। तो ऐसे शख्सियत के ऊपर इस तरीके के जो इल्जाम लगे हैं, मैं उनको बिल्कुल भी सच नहीं मानती। उनके ऊपर तो धर्म के बारे में भी बातें उठाई जाती हैं। आपको क्या लगता है गुरु जी किस धर्म को मानते हैं? वो हर धर्म को मानते हैं बेसिकली। वो कहते हैं कि इंसानियत का धर्म सबसे ज्यादा बड़ा है। हर धर्म हमें जोड़ना सिखाता है, अच्छाई सिखाता है। अगर हर कोई अपने धर्म को मानता है तो वो एक स्वर्ग जन्नत से भी बढ़ के इस धरती पर नजारा हो सकता है अगर हर कोई अपना धर्म माने। और वहां पर हर धर्म की इज्जत की जाती है, सभी के साथ एक वल व्यवहार है। वहां पर कोई ईश्वर को अगर अल्लाह कह देता है या अल्लाह को गॉड कह देता है तो कोई ऐसे रोक टोक नहीं की जाती है किसी भी तरीके की। जी, तो धर्म की बात होगी, लेकिन और भी उनके ऊपर एलिगेशंस हैं, उन सब के बारे में क्या कहोगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि इतने जो मतलब समाज की भलाई के लिए आगे आ रहे हैं, और एक तो मतलब सिर्फ कह देना, खुद ना करना बल्कि दूसरों को कह देना, लेकिन गुरुजी ने हर एक कार्य की शुरुआत पहले खुद से की है। पहले वो खुद कोई भी कार्य करते थे और फिर हम लोगों को मोटिवेट किया करते थे। तो ऐसे में जो पर्सनालिटी इतने अच्छाई के कार्य कर रहे हैं, वो वेश्यावृत्ति के अंदर कौन हाथ घुसाना चाहता है अपना? लोग इतना डरते हैं, आज एक इंसान सड़क पे पड़े दूसरे इंसान को उठाता नहीं है। अगर किसी एक्सीडेंट हो जाता है तो वो क्यों नहीं उठाता कि कहीं कोई पुलिस केस ना हो जाए? मतलब आज हम अपने लिए ही कहीं ना कहीं सीमित हैं। तो ऐसे में गुरुजी ने वेश्यावृत्ति जैसे मामलों के अंदर अपना हाथ डाला, वहां से लड़कियों को निकाला, 20 से 21 लड़कियों की शादियां हो चुकी हैं, लाखों लोग नशा छोड़ गए, नशे जैसे इस गर्द के अंदर हाथ डाला अपना। तो जो इंसान इस तरीके से कोई सिर्फ दिखाने के लिए या यूं ही अपना नाम करने के लिए इतने रिस्क तो नहीं ले सकता, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो एक ऐसी पर्सनैलिटी के ऊपर ऐसे एलिगेंस लगे हैं तो बिल्कुल बेबुनियाद है, मैं उनको बेबुनियाद मानती हूँ। गुरुजी के साथ ही क्यों? अभी मैंने बताया कि वेश्यावृत्ति और नशा ये अपने आप में ही ऐसे मुद्दे हैं, ऐसी मतलब एक ऐसा कीचड़ है जिसके अंदर हाथ डालेंगे तो इंसान अपने डेफिनेटली है कि वो गंदा होगा ही। तो उनके ऊपर छींटे वो कीचड़ के वो ही लगे हैं कि जैसे नशा जो लोग करते हैं या करवाते हैं, जो इसके पीछे जो माफिया जो पूरा गैंग काम करता है, वेश्यावृत्ति के पीछे पूरा गैंग काम करता है। तो ये चीजें ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। इसके अंदर अगर कोई भी जाएगा और अपना उनको रोकने की कोशिश करेगा तो ऑब्वियस है कि उससे जुड़े लोग, बुराई से जुड़े लोग उस इंसान के खिलाफ हो जाएंगे, और जो गुरु जी के साथ हुआ। ठीक है, उनके कार्य हैं, लेकिन एक संत को मूवी क्यों बनानी पड़ी? मूवी क्यों बनानी पड़ी? क्या होता था कि बहुत सारे यंगस्टर्स का ये मानना था, जैसे कि 3 घंटे सत्संग चला करता, कभी 2.5 घंटे 3 घंटे, तो बहुत सारे यंगस्टर्स जो है वो सत्संग में आना पसंद नहीं करते थे। तो ऐसे में क्या होता है कि क्योंकि सत्संग कहीं ना कहीं वक्त की डिमांड के साथ, एक तो होता है कि वक्त के साथ चलने वाला ही सही होता है, ये हम खुद कहते हैं कि कोई अगर किसी की सोच अगर वक्त के साथ ना चले तो हम उसको कहते हैं कि ये तो कुएं का मेंढक है, या ये तो मतलब उसी गंदे पानी में ही पड़ा रहेगा। इस तरीके के कहीं ना कहीं हम वाक्य यूज करते हैं। तो ऐसे में जब गुरुजी ने समय के साथ अपनी उस चीज को पेश किया, अपने सत्संग अपने विचारों जो भी वो बदलाव लाना चाहते हैं उसके लिए अगर उन्होंने मूवीज बना दी तो फिर उनको गलत क्यों कहा गया? मेरा भी अंदर से एक सवाल उठता है कि समय के साथ चलना तो कोई बुराई नहीं है। अगर लोगों को मूवीज देखना पसंद है, थिएटर में जाना वो पसंद करते हैं, तो अगर सत्संग को थिएटर में ले जाया गया तो इसमें क्या? लगभग 3 साल होने वाले हैं अब वो सोसाइटी के अंदर नहीं है, तो अब क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी का? काफी नेगेटिव इम्पैक्ट है। बहुत लोग हैं जो पहले नशा छोड़ चुके थे, गुरुजी के सत्संग सुनते रहते थे तो वो उस चीज से मोटिवेट होते थे और मेडिटेशन भी ज्यादा करते थे और दूसरा नशे से दूर रहते थे, लेकिन अब उनका जो है सत्संग नहीं होता है, गुरुजी अब नहीं यहाँ पे इंस्पायर करने के लिए लोगों को, तो ऐसे में बहुत फर्क पड़ा है। नशे में लोग जाने लगे हैं और जो वेश्याएं अब तक
3 साल हुए हैं अभी, अभी लगाओ इतने सालों में, 2011 से जैसे स्टार्ट हुआ वेश्यावृत्ति को लेकर, तो उतने सालों में जब 21 वेश्याएं जब आ गई, उनको हम शुभ देवी कहते हैं, तो जब वो लड़कियां आई और उनको उनकी शादी हो गई, उनकी जिंदगी बदल गई, तो सोचिए 3 साल में कितनी ही लड़कियां आ सकती थी, कितनों की जिंदगी बदल सकती थी, कितने ही लोग जो नशा छोड़ चुके थे, वो जो उनमें से कुछ लोग जो फिर से डायरेक्शन अपनी जिन्होंने चेंज कर लिया है, फिर से नशा करने लगे, वो ना करते और भी लोग नशा छोड़ देते, और जो भलाई के कार्य हैं वो भी जितना स्पीडली पहले चलते थे, जितना अच्छे से चलते थे, वो वैसे नहीं हो पाते हैं। जी, एक और देखा जाए आजकल सोसाइटी के अंदर जो मेनली गर्ल्स हैं, गर्ल्स के लिए रिस्पेक्ट है वो यूथ की आजकल कम होते जा रही है जो देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से न्यूज आती हैं भी रेप केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और दहेज प्रथा को लेकर काफी ऐसी बातें हैं, भ्रूण हत्या को लेकर काफी ऐसी जो कुरीतियां हैं, जहां हमारे समाज में एक बेटियों को लेकर एक लड़कियों को लेकर रिस्पेक्ट कम हो रही है, इसका आपको रीजन क्या लगता है? रीजन कई सारे रीजन है, एक तो सबसे पहला होता है कि जो पेरेंट्स परवरिश देते हैं वो बहुत मायने रखती है। सेकंड चीजें होती हैं कि गलत चीजें देखना, गलत चीजें सुनना, पढ़ना, गलत संग और नशा, ये इस तरह की चीजें इंसान को गुमराह कर देती हैं। और बचपन से ही बेस अगर अच्छा होता है, उनको सही शिक्षा दी जाती है, तो कहीं ना कहीं हमारे धर्मों की जो शिक्षा है वो एक्चुअल जो शिक्षा है वो यहाँ हमारे समाज में नहीं दी जाती। धर्म के नाम पर लड़ाया तो बहुत जाता है, लेकिन धर्म की वास्तविक शिक्षा नहीं दी जाती है कि धर्म सिखाते क्या है। धर्म सच सिखाते हैं, धर्म प्यार से रहना सिखाते हैं, धर्म में रिश्तों के मायने क्या है, सब कुछ ए टू जेड धर्म में लिखा गया है। और हमने ये सत्संग में जाकर इस चीज को समझा जाना, तो आज हमारी फैमिली का माहौल बहुत अलग है। लेकिन जो लोग उस चीज से नहीं जुड़े हैं, नहीं जाते, ना पढ़ते हैं और धर्म को एक अलग ही तरीके से देखते हैं, तो उनके यहाँ पर इस तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं और ये चीजें इस तरीके से बढ़ती जा रही है। क्या एक संत ने, जो सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रेम सिंह जी इंसा ने इस तरीके से इस स्पेशली बेटियों के लिए क्या क्या पार्टिसिपेट किया है, किस तरीका से उन्होंने सोचा है, भी बेटियों को मोटिवेट किया है, जब फैमिलीज को या यूथ को मोटिवेट किया है बेटियों की रिस्पेक्ट के लिए? बेटियों की रिस्पेक्ट की बात करूं तो बहुत कुछ है, 134 वेलफेयर वर्क्स है, उनमें से कितने ही सारे तो सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स और वुमेन को डेडिकेटेड हैं, और उनके एक कहता है कि उनको उनके उत्थान के लिए है वो बेसिकली। जैसे कि गर्ल्स, हम वहाँ पे जो स्कूल कॉलेज है वहाँ की गर्ल्स इंटरनेशनल प्लेयर भी हैं, नेशनल हैं और योगा चैंपियंस हैं। इसके अलावा अगर पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा आगे, top 10 स्कूल्स में से अपना हरियाणा का स्कूल है शासत नाम जी गर्ल्स स्कूल कॉलेज, ये सब top 10 रैंक के अंदर आते हैं। तो ये सब गुरुजी की प्रेरणा के चलते वहां पर हुआ। इसके अलावा अगर मैं वैसे बात करूं समाज के अंदर महिलाओं के उत्थान की, तो सबसे ज्यादा जो मुझे पर्सनली एक प्रभावित करती है जो चीज, वो है कुल का क्रम। हमारे समाज में बेसिकली पुरुष प्रधान समाज है, एक लड़का ही वंश को आगे बढ़ा सकता है, ये रीत चली आई। इस रीत के चलते भ्रूण हत्या भी होती है, क्योंकि लड़के की इच्छा होती है कि हमें हमारा वंश चलना चाहिए तो लड़का ही हो। लड़कियां जब पैदा होने लगती हैं तो पहली बात उनके पैदा होने पर दुख मनाना, फिर ज्यादा लड़कियां होती हैं तो उन्हें चेकअप करा लेना पहले ही और भ्रूण हत्या करवा देना, तो इस तरीके की चीजें होती है। जनसंख्या वृद्धि, सिर्फ और सिर्फ लड़के की वंश चलाने की लालसा कितनी ही चीजों को जन्म देती है, भ्रूण हत्या, जनसंख्या वृद्धि और इस तरीके की चीजें। तो ऐसे में कुल का क्रम बहुत ज्यादा एक वरदान की तरह साबित हुआ। कुल के क्रम के अंदर जैसे कि जहां एक लड़की है वहां वो शादी करके लड़के को अपने घर लाती है। लड़का ऐसा जो दो भाई होते हैं, एक अपने पेरेंट्स का ख्याल रखता है और एक अपनी वाइफ के पेरेंट्स का ख्याल रखता है, तो ऐसे में किसी को टेंशन नहीं है, एक बच्चा करना होता है लड़का हो या लड़की, ना तो जनसंख्या बढ़ती है और दूसरा लड़की के नाम से वंश आगे बढ़ रहा है। ये अपने आप में बेमिसाल है हमारे भारत में, कोई सोच भी नहीं सकता। ये अपने आप में एक चैलेंज पुरुष प्रधान समाज को, जो ये रीतियां कुरीतियां चली आए कि लड़की के नाम से क्यों नहीं वंश आगे बढ़ सकता, तो ये चीज गुरु जी ने चलाई। और इसके चलते बहुत सारे ऐसे अनुयायी हैं जो एक ही बच्चा पैदा करते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, और लड़की होती है तो उसके कुल के क्रम के अंतर्गत शादी करवा देते हैं और फिर वंश आगे बढ़ता है।
ये बहुत अपने आप में बेमिसाल चीज चलाई गुरु जी। जी कुछ लोगों का मानना है कि अभी जो गुरु जी के अनुयायी हैं उनमें मतलब अब उतने लोग उनके साथ नहीं है, आपका क्या मानना है, आज कितने लोग उनके साथ हैं? जितने पहले थे लगभग उतने ही लोग उनके साथ हैं, बल्कि जिन्होंने गुरु मंत्र नहीं भी लिया होता है लेकिन वो वैसे ही कभी उनके सत्संग में गए हैं या अपने परिचित लोगों के जरिए वो उनको जानते हैं, वो भी उनके उतने ही रिस्पेक्ट करते होते हैं। मेरे पूरे रिलेटिव्स मेरे गुरु जी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मतलब सेंट गुरमीत रामलिंग जी की बहुत इज्जत करते हैं सभी। जी क्या आपको लगता है अभी आज के समय में संत जी की इस सोसाइटी के अंदर जरूरत है? बिल्कुल है, ये जो इस इतनी बुराइयां फैल रही हैं इन सबको रोकने के लिए जरूरत है बहुत ज्यादा, क्योंकि कानून नियम हमें एक हद तक सिर्फ सही गलत में थोड़ा ये है कि हमें ये पता चल जाता है कि अगर हमने ये किया तो हमें ये सजा मिलेगी, हालांकि इतने 1.5 अरब वाली जो आबादी हमारे देश की उतने में कानून भी ढंग से लागू कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम होता है, इतना आसान नहीं है। जैसे कि मैं अगर बात करूं पॉलिथीन बैग्स की, मेरे दिमाग में जो अभी रिसेंटली आ रहा है कि पॉलिथीन बैग्स अभी कुछ टाइम पहले बैन हुए, पेपर बैग और क्लोथ बैग यूज करने लोगों ने स्टार्ट किए, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसा करते थे और अब तो वो भी बंद हो गया। तो जो नियम कानून है मैं ऐसा नहीं कहती कि गलत है, बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन लोगों को भी तो चाहिए कि वो 100% उसको माने। जब तक इंसान लोग नहीं मानेंगे नहीं समझेंगे खुद से तब तो कोई भी नियम कानून हमारे देश को सही नहीं कर सकता, और स्वेच्छा जब तक इंसान के अंदर नहीं आती तब तक वो अंदर से मोटिवेट नहीं हो जाता, और गुरु जी अपने सत्संग में इंसान को अंदर से मोटिवेट करके देश को समाज को सुधारने की तरफ एक कहते ना पहल करते हैं, उसको मोटिवेट कर देते हैं इतना ज्यादा कि इंसान स्वेच्छा से ही वो सारे कार्य करने लग जाता है, अगर उस पे कोई नियम कानून ना भी लगाए जाए वो तब भी करता है। किस तरह के लोग गुरु जी के साथ जुड़े हुए हैं, एजुकेटर या मतलब किस तरह की पब्लिक मोस्टली उनके साथ जुड़ी हुई है? हर तरीके से पढ़े लिखे हैं, जिसे हम कह देते हैं अपर क्लास सेकंड क्लास थर्ड क्लास, हर क्लास के पर्सन जो हैं गुरु जी से जुड़े हुए हैं अच्छे से अच्छे, और थोड़ा जो निम्न वर्ग में मतलब वर्ग निम्न वर्ग तो मैं नहीं कहूंगी कि ऐसे जिनके पास फाइनेंशियली जो बहुत स्टेबल नहीं है वो लोग भी, और मध्यम वर्ग भी, हर कोई गुरु जी से जुड़ा हुआ है। आप पब्लिक को क्या अपील करेंगे, क्योंकि पब्लिक ने जितना भी जाना है गुरुजी के बारे में या डेरा सच्चा सौदा के बारे में, जितनी हेडलाइंस बनाई गई लगातार चैनल्स में उसके द्वारा जाना है, आप अपनी वीडियो के द्वारा क्या अपील करना चाहोगे? मैं अपील करना चाहूंगी कि न्यूज चैनल्स एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होते, आप डेली सोप्स देखें, आप मूवीज देखें, न्यूज चैनल एंटरटेनमेंट के लिए देखना ये हमारे देश को गर्त की तरफ लेके जा रहे हैं, मसाला इतना खाने लग गए हैं हमारी पब्लिक जो हमारे देश की जनता है कि जिसके चलते मसाला डाल डाल कर हर एक न्यूज पेश की जाती है, और हमें जो मिलना चाहिए जो जानकारी उसे छोड़कर बाकी सब कुछ हमें आलतू फालतू का मसाला सारा एंटरटेनमेंट तो हमें न्यूज चैनल से मिल रहा होता है, डेली सोप देखने की जरूरत ही नहीं है। तो प्लीज मसाला खाना थोड़ा कम कर दें, अपना जो जरूरी चीजें हैं जानने की वही चीज देखें न्यूज में, फालतू की चीजें जो टीआरपी बढ़ाने की जो हम करते रहते हैं, टीआरपी बढ़ाते हैं न्यूज चैनल्स के और फिर वो मसाला लगा लगा कर हमें पेश करते हैं, वो चीज हमें छोड़नी होगी ताकि हमारा देश कुछ अच्छी दिशा में आगे बढ़ सके, जागरूक सही दिशा में हो सके। सरकार से क्या अपील करेंगे गुरु जी के लिए? सरकार से मैं यही अपील करना चाहूंगी कि जो भी तथ्य है उनको लेकर सभी को अच्छे से जांचा जाए, जो उनके इतने करोड़ों अनुयायी हैं, जो मैनेजमेंट के पर्सन हैं, जो साध्वी वहां पर रहती हैं, बाकी जो 120 या कुछ जो साध्वियां हैं उनकी भी जो बयान है उनको भी इम्पोर्टेंस दी जाए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि दो लोग आगे आ गए तो वो ही सही है, ये भी तो हो सकता है ना कि वो, क्योंकि ये कह दिया जाता है कि जो बाकी साध्वियां हैं उनके ऊपर प्रेशर है, वो किसी प्रेशर के चलते उनको गलत नहीं कहते, लेकिन वो दोनों में हिम्मत थी, इसका उल्टा भी तो हो सकता है कि जो बाकी है वो ऑनेस्ट है वो सच बोल रही है, लेकिन दो जो गुरु जी के खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रही है, जो उनको नहीं वो चाहती किसी भी कोई भी कारण उनका अपना पर्सनल ऐसा रीजन हो सकता है कोई रंजिश जैसा दिमाग में, तो वो ये भी तो हो सकता है, ये भी तो पॉसिबिलिटीज है। तो सिक्के के हर पहलू को देखकर ही
ये केस जो है इसको इसकी सुनवाई की जानी चाहिए। थैंक यू सो मच नेहा जी आपका द फैक्ट टाइप चैनल के साथ जुड़ने के लिए और लोगों के सामने फैक्ट रखने के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। दोस्तों लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि रियलिटी पब्लिक के बीच में जाए, रियल फैक्ट जाए, सूत्रों के हवाले से नहीं, कोई अज्ञात सूत्र नहीं, हम रियल पब्लिक, जो पब्लिक ने एक्सपीरियंस किया है वो हम आपके सामने रख पाए। हमारे साथ अभी नेहा त्यागी जी, जो एक टीचर है, वेल एजुकेटेड है, जो सोसाइटी में देखते हैं और जिन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और इन्होंने जो हेडलाइंस बनाई उनके बारे में भी बोला कि आखिर क्यों बेटियों को जब डेरा सच्चा सौदा को जब सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जी इंसा को सिर्फ टीआरपी के लिए बदनाम किया गया। पब्लिक से भी अपील है कि आप लोग खुले दिमाग से सोचिए रियलिटी क्या है, आखिर क्यों आज भी बेटियां, करोड़ों लड़कियां, हजारों लड़कियां हम आपको दिखा चुके हैं, क्यों ये आज सामने आकर बोल रही हैं कि सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जी अच्छे और सच्चे संत हैं, आखिर क्यों नहीं इनकी सुनी जा रही है। आप लोग खुले दिमाग से सोचिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ देने के लिए, सच की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।